जबलपुर में बिल्डर द्वारा बनाई जा रही कंस्ट्रक्शन साइट में 10 साल का मासूम 11,000 केवी की लाइन की चपेट में आकर झुलस गया। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब पुलिस को घटना की जानकारी ही नहीं। वहीं इस पूरे मामले में बिल्डर ने सभी सुरक्षा मापदंडों को दरकिनार किया है, जिसके चलते आज मासूम बालक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे बाल श्रम को लेकर करती है कि बाल श्रम गंभीर अपराध है, वहीं एक 10 साल का मासूम गुआरी घाट थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में बिल्डर द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग में महज एक फीट की दूरी से जा रही 11,000 केवी की लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस जाता है। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना कई सवालों को जन्म दे रही है। आपको बता दें कि ग्वारीघाट थाना क्षेत्र नर्मदा नगर में बिल्डर दिलीप हरजानी द्वारा कंस्ट्रक्शन कर बिल्डिंग तैयार की जा रही थी, जहां बिल्डिंग निर्माण में मजदूर लगे हुए थे। वहीं बिल्डर द्वारा बच्चों से भी काम कराया जा रहा था। अपने 10 वर्षीय बच्चे के साथ आई सुमित्रा बाई साइट में रहकर ही मजदूरी का काम कर रही थी। वहीं मासूम बच्चा बिल्डिंग निर्माण कार्य में माँ का साथ दे रहा था। इस दौरान खेलते खेलते 10 वर्षीय मासूम तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच गया। वहीं बिल्डिंग से मात्र एक फीट की दूरी से गुजर रही 11,000 केवी की बिजली लाइन की चपेट में अचानक आ जाने से मासूम को करंट का झटका लगा और मासूम के शरीर में आग लग गई, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गवारी घाट पे काम करते रहे हम, वहाँ पे करते करते हम ध्यान नहीं दे बच्चे की, हम कहे कि ऊपर ही होएगा, तो उतर से एक फेरी उतार दे बच्चे को, फिर वहाँ से देखे तो दूसरा आदमी चिल्ला दिया हमको, अब बाजू से है वहाँ, अब अपन का कर सकते हैं। क्या हुआ था? फिर वहाँ पे एक तार में झुलाया वो चाका का करा है, अब उसको हम देख ही नहीं पा, ऐसा हुआ। और करंट लग 10 साल का, 10 साल का बच्चा है। वहाँ शुरू में सेंटिंग ठोकाते, सेंटिंग वो इतना भी नहीं बना, तीसरी मंजिल, हाँ तीसरी मंजिल में वो रैक बनी है, संडास बाथरूम को उसी में आते। कौन है बिल्डर जो है, जिनका काम चल रहा है? दिलीप। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गवारी घाट। जो बालक जिसको करंट लगा है वो अपनी माँ के साथ में रहता था, उनकी माँ हमारे पास काम करती थी, सब लोग नीचे काम कर रहे थे, अचानक नहीं पता बच्चे कैसे ऊपर गया और जो अपनी सेंटिंग तार होती है उसको पकड़ के घुमा दिया, जिसकी वजह से बिजली की तार में टच होने की वजह से करंट लग गया। आपने आपने यहाँ काम चालू किया है तो उसमें जो तार गई है उसमें से आपने प्लास्टिक की पाइप क्यों नहीं डलवाया? सर प्लास्टिक पाइप नहीं डल पाएगी क्योंकि हाई वोल्टेज तार है, जल जाएगी। इतने किनारे से 6 इंच बाजू से तार गया है तो इसमें तो खतरा है नहीं है कि लेबर बर गए? कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे आपने बनाई नहीं? सुरक्षा व्यवस्था है ना सर, देखिए प्लाई लगा के रखे में कोई आदमी रहेगा वहाँ पे तो उसके तहत क्या सुरक्षा? घटना होने के बाद ये प्लाई लगाई हुई है ना आपके यहाँ? घटना होने के बाद लगाई हुई नहीं, पहले आ गई थी लेकिन लगी नहीं थी, काम ऊपर का चालू नहीं था, काम सिर्फ 7 फीट हाइट करने के बाद रोक दिया गया था, नीचे काम चल चला गया होगा। क्या नाम बच्चे का? शिव कुमार मरावी। कहाँ के? वो धनसो। आपका नाम? मेरा नाम संदीप पटेल। ये किसका बन रहा है? वही घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और पुलिस कार्रवाई करती भी तो कैसे, उन्हें तो मामले की जानकारी ही नहीं है। आप खुद सुन लीजिए ग्वारी घाट थाना प्रभारी विजय परस्ते ने क्या कहा। ये आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है कि 10-15 दिन पहले नर्मदा नगर वैशाली नगर में कोई बच्चा जो है काम करते समय बिजली से झुलस, इलेक्ट्रिक से झुलस गया था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस तरह की कोई भी सूचना ना तो किसी अस्पताल से आई है और ना ही किसी व्यक्ति ने आकर के दी है। यदि भविष्य में इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है या इंटीमेशन अस्पताल से, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से पाई जाती है, सूचना पाई जाती है, तो उस पर पूरा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो उसके ऑनर हैं, जो मालिक हैं, जिसके द्वारा काम कराया जा रहा है उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि इतनी गंभीर घटना के बाद पुलिस प्रशासन जो अब तक अनजान बनने की बात कह रही है, अब पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद बिल्डर दिलीप हरजानी के ऊपर कोई कार्रवाई करता है या मामले की लीपापोती की जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, जबलपुर।